पनीर बनाने के लिए मैंने ये राइस लिए हैं हाफ कप, जिसको मैंने 2 घंटे पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। अगर आपके छोटे वाले राइस हैं तो आप 1 घंटा रखिए, अगर बासमती बड़े वाले राइस हैं तो 2 घंटे रखिए। फिर उसका पानी मैंने ड्रेन करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, एकदम पाउडर मत बनाइए, ऐसे बस ग्राइंड करिए। और फिर उसके बाद उसको टिश्यू पेपर या फैला कर रख दीजिए, जिससे ये ड्राई हो जाए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो फैन के नीचे रख दीजिए और ड्राई हो जाएंगे। लेकिन जो राइस ये अलग अलग होने चाहिए, अगर ये इकट्ठा चिपके होंगे तो दूध में जाके एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे हमारी खीर अच्छी नहीं बनेगी। मिल्क लिया है 1 लीटर, इलायची पाउडर, सैफरन, और ये खोया या मावा, हाँ इसकी जगह आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी हमारी खीर बहुत अच्छी बनेगी। चॉप्ड आलमंड और कैशियो, शुगर 1 कप, और केवड़ा, गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स। गैस ऑन करेंगे और मिल्क को बॉईल होने के लिए रख देंगे। मिल्क में 3-4 बार बॉईल आने देंगे। मिल्क में उबाल आ गई है 3-4 बार, अब हम लोग राइस डालेंगे। राइस पूरे नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े डालने हैं और चलाते रहना है। कभी भी खीर में शुगर नहीं पहले डालना चाहिए, पहले राइस डालनी चाहिए। और अगर आपने शुगर पहले डाल दिया तो राइस उसमें सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। 5 मिनट तक दूध में राइस को ऐसे ही पकाएंगे और चलाते रहेंगे। अब शुगर डालेंगे, 1 कप शुगर लिया है, 1 कटोरी। ऐसे ही चलाते रहिए और ध्यान रखिए बर्तन के बेस में दूध ना चिपकने लगे, थिक होने तक ऐसे ही पकाते रहेंगे। अब 2 पिंच इलायची पाउडर डालेंगे, आगे अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इलायची भी ऐसे ही तोड़ के डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई मत करिए, मीडियम फ्लेम पर ही ऐसे ही चलाते रहिए और थिक होने दीजिए। खोया ऐड करेंगे, अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और हमारी खीर थिक होने लगी है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ये देखिए खीर गाढ़ी होने लगी है। थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, थोड़ा सा सैफरन डालेंगे 1 पिंच, वन स्पून केवड़ा वाटर डालेंगे, खीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और थिक हो गई है। तो आप अपने हिसाब से इसको गाढ़ा रखिए, मुझे थोड़ा सा और करना है तो मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी। इतनी थिक काफी होगी क्योंकि अभी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। गैस को ऑफ करते हैं, हमारी खीर रेडी है।